यूपी के पीलीभीत में एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने बीसलपुर तहसील में स्थित प्राथमिक विद्यालय भंडरिया में अपनी निधि से बच्चों को फर्नीचर उपलब्ध कराया है। वहीं ललौरीखेला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यही नहीं, खुले मन से चुनौती देते हुए जनता के बीच अपना नंबर उपलब्ध करवाते हुए हर समस्या का निदान करने का भी भरोसा वरुण गांधी ने जताया। वहीं सरकार में गरीब जनता व नौजवानों की नौकरी को लेकर सरकार को घेरते दिखाई दिए वरुण गांधी। दरअसल अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरते नजर आए। वहीं बीजेपी सरकार ने जन प्रतिनिधियों द्वारा बदले की राजनीति करने वाले जन प्रतिनिधियों व जिला प्रशासन सहित पुलिस की व्यवस्था को घेरते हुए खुले मंच से चेतावनी देते दिखाई दिए वरुण गांधी। वरुण गांधी ने मंच से जनता के बीच तीन बार अपना नंबर बोलकर उनकी हर समस्या का निदान करने की बात कहते हुए कहा कि जब भी कोई धमकी भरा फोन आए तो सीधे बोल देना कि मुझ गरीब आदमी समान आदमी से लड़ रहे हो, अगर दम है तो शेर से लड़ो। वहीं वरुण गांधी ने कहा कि फोन पर इतनी बात करने की हिम्मत रखो कि सामने वाले की हवा निकल जाए। आज वरुण गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां पर सबसे पहले उनका ललौरीखेला में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया था। वहीं वरुण गांधी आज नए तेवर और नए अंदाज में दिखाई दिए। मन से डांटते हुए वरुण गांधी ने कहा कि यह बदले की नहीं बल्कि विकास की राजनीति है। उन्होंने कहा कि मैं देश का और क्षेत्र का विकास चाहता हूं, इसलिए अपने निजी खर्च से मैंने करोड़ों रुपए के ऐसे काम किए हैं जिसको जनता कभी नहीं भूल सकती, और यही प्यार है जो आप लोगों के बीच में बैठकर मुझे हमेशा अपार प्यार और परिवार का प्यार मिलता है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए सांसद वरुण गांधी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का सिलसिला आम है, जिसको लेकर लगातार मैं अपनी आवाज उठा रहा हूं और आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, और आने वाले वक्त में भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ने कहा कि क्या आप इसलिए आए हैं क्योंकि चुनाव है? मैंने कहा चुनाव तो 2 साल का है, तो फिर वो चाह शांत हो गया। तो मैंने उनसे पूछा और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जब कोरोना का समय चल रहा था मेरे अपनों, तो कोरोना के समय में कुछ नेता तो काढ़ा बांटते फिर रहे थे गांव में काढ़ा, क्या वरुण गांधी ने दवाई, ऑक्सीजन और अस्पताल पे भोजन उपलब्ध किया कि नहीं किया अपने पैसे से? भाइयों, जब मैं अपने माँ के पास गया, 7 लोग मर चुके थे पीलीभीत से, 7 ऑक्सीजन की किल्लत से। मेरी माँ को मैंने कहा ना बरेली में ऑक्सीजन, ना शाहजहांपुर में दवाई, ना नैनीताल उधम सिंह नगर में भोजन, क्या करें? मेरी माँ ने कहा कि इन लोगों ने, इन गांव के लोगों ने, इन मोहल्ले के लोगों ने हमको खड़ा किया है, हमको यहां तक पहुंचाया है। पूरे देश में कुछ भी करना पड़े, आशीर्वाद है तुमको। मैंने अपने बेटी का FD तोड़ा, फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ा बैंक से, और 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। पूरे क्षेत्र में जितनी दवाइयां पटी, कोई मेडिकल से नहीं पटी, सब वरुण गांधी के जेब से पटी। कोरोना में जितने खाना बटा मेरे जेब से बटा खाना, जितना ऑक्सीजन बटा मेरे जेब से बटा। और याद रखना, कल कोई मुसीबत होगी आसमां के देख लेना, मैं अपना सब कुछ गिरवी रख दूंगा, लेकिन तुम लोगों की आत्माओं को मैं दबने नहीं दूंगा। किसी मुसीबत परेशानी है यहाँ पे, 2-3 बहनों ने आके मुझे कागज दिया, अभी मैं बात को खत्म कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक बार इतने जोर से बोलो भैया, खमरियापुर को समझ आया, शाही को समझ आया। बोलो भारत माता।
कि यहाँ मुर्दा भी आ जाए तो जिंदा हो जाए। बहुत खुशी में आज आके एक बार गांव का दौरा शुरू करेंगे। भाई अगर कोई परेशानी किसी को हो तो आगे आके वरुण गांधी को बताओ और ये हर बार मेरा साथ देते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले बार जो मेरा भाषण हुआ था पीलीभीत में, आप लोगों ने उसको अपलोड किया, 6 करोड़ व्यूज मिले हैं उसको। आपको पता है 6 करोड़ लोगों ने देखा। ये सब मेरे भाई, क्या इन्होंने कभी मेरे से कहा कभी? ये क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र है, यहाँ सीधे लोग हैं, सच्चे दिल के पक्के, दिल के अच्छे नहीं सोने के दिल के लोग हैं। याद रखना, मैं आपकी असलियत पहचानता हूं, आप में से एक एक कितना अच्छा न जानता, और मैं जानता हूं इस परिवार को यहां बैठाने में आपका कितना बड़ा, आपने कितना खून पसीना बहाया। मैं आपसे आपका दिल चाहता हूं, आपका वोट नहीं। वोट तो एक कागज का टुकड़ा है, वो तो आपने कई बार दे दिया। आपके दिल की कीमत है मेरे लिए। क्या आपका दिल मेरे लिए है कि नहीं है? तो दिखावा नहीं करना कि मैं कौन हूं, किस परिवार से हूं। ये आदत नहीं है मेरी कि मैं बड़े बड़े गाड़ी में घूमूं और वो भी गाड़ी में ठेकेदारों से मांगूं। ये मेरी आदत नहीं है कि शराब माफिया और रेता माफिया से मैं बोलूं भाई एक गाड़ी मुझे, एक मेरे इस भाई को, एक मेरे उस भाई को। मेरा कोई भाई नहीं है, अगर होते तो आपका खून चूसते और लोगों के भाइयों की तरह नहीं, पेट भरा है इसलिए किसी का खून चूसने की जरूरत नहीं है। कई लोग हैं, कई पीढ़ियों से पेट में खाना नहीं है, अब खाना इतना खा लिया कि बेचारा यहां से भी निकल रहा है, दूसरे जगह से भी निकल रहा है, हजम नहीं हो पा रहा। भाइयों, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आदमी भ्रष्ट होता है उसको आज नहीं तो कल डरना है, जो आदमी जुल्म करता है उसको आज नहीं तो कल डरना है, जो आदमी पाप करता है उसको आज नहीं तो कल डरना है। वरुण गांधी ने न पाप किया, न जुल्म किया, न भ्रष्टाचार किया। मैं अगर डरता हूं तो केवल मैं भगवान से डरता हूं या मैं अपने उसूलों से डरता हूं। अगर मैं अपने नजरों में कभी गिर गया तो मैं कभी उठ नहीं पाऊंगा। आज जितने लोग बैठे हैं, मैं यहां क्यों आया हूं? मैं यहां आया हूं आपको एक हिम्मत देने के लिए है। अगर किसके पास यहाँ पे मेरा नंबर नहीं है, हाथ खड़ा करो, किसके पास मेरा फोन नंबर नहीं है, लिखो अपने फोन पे, मैं मन से अपना नंबर दे रहा हूँ। बाकी नेता तो चोर होते हो, कोई नंबर नहीं दे रहा, अपने कहते किसी का अधिकारी उठा रहा है, किसी का सचिव उठा रहा है, मैं खुद फोन उठा रहा हूँ। मेरे को तंग मत करना 10 बजे रात, ठीक है? बहुत सारा दलों ने खेड़ा में लाल पानी पी के तंग कर रहे हैं, सफेद पानी जो पी रहे मुझे फोन करो, जो लाल पानी पी रहे हो 4 बजे शाम के पहले फोन करो। लोकेश जी आपको नहीं है तो उससे क्या गरीब है ना, आप सफेद पानी वाले। तो वरुण गांधी को लगेगा मेरे घर की बात है, ये कोई मेरे से छीन नहीं सकता। लोग आएंगे जाएंगे, इतने लोग आए गए इस क्षेत्र में, कोई मेरी माँ के सामने लड़ा, कोई मेरे सामने लड़ा, कोई बोलता था जमानत जब्त करा देंगे, कोई कहता भाई घुसने नहीं देंगे, आज घुसने दिया, आज आधा कलोनी खड़ा यहाँ बैठा है, कोई किसी ने रोका? भाई नहीं यार, मुझे फोन में
टाइम आया किसी का, भैया भीड़ नहीं छुटने देंगे। मैंने कहा भीड़ नहीं छुटने देंगे, हम तो दूसरे के घर में जाके उनके भी पड़ोसी उठा देंगे, चिंता मत करो। भाइयों आज के बाद कोई डर मत पालना। एक समय के लिए मैंने लोग आपको फोन करेंगे ऐसा वैसा, एक ही जवाब देना है, एक ही जवाब कि वरुण गांधी का नंबर हम आपको दे रहे हैं, हिम्मत है तो सीधे बोल के उनको दिखा दो, हम गरीब आदमी को क्यों परेशान। एक ही जवाब, किसी का फोन आया, किसी डरपोक चूहे का फोन आया तो बोला जगन्नाथ तो शेर से जाके लड़ो भाई, हम गरीब आदमी से क्यों। अगर कोई किसी ने आपको बोला केस लिखवा देंगे, ये लिखवा देंगे, मेरे लोग जाएंगे थाने तुम्हारे लिए, कोई केस नहीं लिखवाता। हाँ अगर गलत किया होगा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन निर्दोष के साथ जैसा हो रहा है, निर्दोष आदमी के साथ जैसा